Hello students, welcome to Dick Science EduTech. I am assisting your science teacher, and we are going to study about the second part of your very interesting topic, which name is Food Factory. The students, because this is your second part, uh, it means already we have uh, completed our first part. And uh, there are so many topics in your first part, and there are so many topics in your second part. स्टूडेंट्स जैसा कि आपको बताए कि ये वीडियो जो होगा वो हमारा इस वेरी इंटरेस्टिंग जो हमारा टॉपिक है जो कि है फूड फैक्ट्री बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है जैसे कि आप लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़े भी होंगे बहुत ही अच्छा लगा लगा हुआ आपको और उतना ही बेहतरीन तरीके से हम हम लोग इसको सेकेंड पार्ट में ही पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है ये टॉपिक ही ऐसा है जिसमें हमको बहुत यूनिक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जानने को मिलता है एक प्लांट्स के बारे में तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो सेकेंड पार्ट है Uh, इससे पहले जो हम लोग फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग कौन कौन सी टॉपिक्स को कवर किए थे कौन कौन से टॉपिक्स को टच किए थे किस किस टॉपिक्स के बारे में पढ़े थे उसको थोड़ा सा हम लोग क्विक रिव्यू कर लेते हैं ताकि जो बच्चे न्यू न्यूल तरीके से इसमें जुड़े होंगे नए तरीके से जुड़े होंगे उनको भी रिवाइज हो जाए या जो बच्चे पहले से भी हैं या उनको याद नहीं आ रहा हो कि फ़र्स्ट पार्ट में क्या पढ़े थे थोड़ा सा क्विक रिव्यू चाहते हैं तो उनके लिए ये आपका क्विक रिव्यू है हमारा फर्स्ट पार्ट का जो हमारा पार्ट वन था इस चैप्टर यानी कि फूड फैक्ट्री जो हमारा चैप्टर है देखिए जब पार्ट वन हम स्टार्ट किए थे तो इस वर्ड पे इस फूड फैक्ट्री वर्ड पे बहुत कुछ चर्चा हुआ था बहुत सारे इंट्रोडक्शन को हम लोग देखे थे ठीक है तो वहां पे आप लोग देख सकते हैं तो इस पार्ट वन में फूड फैक्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़े थे तो सबसे पहला तो हम लोग पढ़े थे प्लांट के होने का इंपॉर्टेंस कि अगर प्लांट है तो क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ठीक है प्लांट किस किस फैक्टर में कौन कौन सा ऐसा एक्टिविटी है जो प्लांट के बिना हम नहीं कर सकते हैं या कौन कौन सा ऐसा लाइफ प्रोसेस है जो प्लांट के बिना हम नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहला जो हमारा लाइफ प्रोसेस है जिसके चलते हम लोग जीव जीवित हैं जो कि हमको जिंदा रखा है यानी कि हमारा ब्रीदिंग हमारा श्वसन जो है यानी कि हम सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं ठीक है तो ब्रीदिंग जो हम लोग करते हैं तो ब्रीदिंग में सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसके हेल्प से करते हैं प्लांट्स के ही हेल्प से करते हैं ब्रीदिंग हम लोग प्लांट्स के हेल्प से ही क्यों करते हैं क्योंकि जब तक प्लांट्स ऑक्सीजन यानी कि ओ हमको नहीं देगा जब तक प्लांट हमको ऑक्सीजन नहीं देगा तब तक हम क्या करेंगे उसको इनहेल नहीं कर पाएंगे ठीक है तो ब्रीदिंग के पर्पस के लिए भी हम लोग प्लांट पे डिपेंड हैं। दूसरा आपको हम इस प्लांट के इम्पोर्टेंस में ये बताए थे कि फूड के लिए भी हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ठीक है फूड के लिए भी फूड के लिए भी हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे ही डिपेंड है ठीक है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग प्लांट पे ही डिपेंड करते हैं उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए हैं प्लांट का अपना टॉपिक जिसमें हम लोग प्लांट्स में क्या देखे थे फूड प्रिपरेशन के बारे में फूड प्रिपरेशन ये स्टार्ट किए थे फूड प्रिपरेशन के बारे में दूसरा स्टार्ट किए थे आपको हम या दूसरा पढ़ाए थे फ़ूड स्टोरेज के बारे में जो फूड तैयार हो गया था तो एक्स्ट्रा फूड स्टोर कहाँ हुआ था फिर हम लोग पढ़े थे फूड के ट्रांसफ़र के बारे में फ़ूड के ट्रांसफ़र के बारे में कि फ़ूड हमारे प्लांट के थ्रू आउट सारे बॉडी में ट्रांसफ़र कैसे हुआ था फिर हम लोग पढ़े थे फूड के प्रिपरेशन uh, के बारे में पढ़ लिए ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ लिए फूड के स्टोरेज के बारे में पढ़ लिए उसके बाद से हम लोग uh, इन सारे टॉपिक्स को देखे थे अब जो हमारा इस नेक्स्ट टॉपिक है ठीक है या आज का हमारा नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम किस किस तरह के टॉपिक्स को टच करेंगे तो नेक्स्ट जो वीडियो है इसमें यानी हमारा ये सेकंड वीडियो जो है इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा सबसे पहला यानी कि जैसे कि आपको पहले वीडियो में हम लीफ के बारे में पढ़ाए थे ठीक है थोड़ा सा लीफ के बारे में आपको बताए थे और लीफ में सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि हम हाँ आपको लीफ के स्ट्रक्चर को बना के लीफ के स्ट्रक्चर को बना के और इसके पार्ट्स को लोकेट किए थे और देन उसके फंक्शन को समझाए थे जिस स्ट्रक्चर में सबसे पहला स्ट्रक्चर हम बनाए थे या आपको समझाए थे लेमिना के बारे में यानी कि लीफ ब्लेड के बारे में लीफ ब्लेड के बारे में दूसरा जो स्ट्रक्चर हम लोग बात किए थे वो था मिड वेन मिड वेन और तीसरा जो स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात किए थे वो था साइड वेन ठीक है और चौथा जो स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात किए थे वो था पैटोल ठीक है मार्जिन एस्टोमाटा क्लोरोफिल ठीक और फिर लास्ट में हाँ तो ये सारे पार्ट्स ऑफ लिप्स के बारे में हम लोग पार्ट वन में क्या किए थे चर्चा किए थे अब ये जो पार्ट टू है इसमें हम लोग को दो टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है ठीक है आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट टू के सेक्शन को यानी कि सेकंड वीडियो के सेक्शन को इसमें हम लोग किस किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं तो हमारा सबसे पहला है सम इंटरेस्टिंग प्लांट्स यानी कि जो नॉर्मल प्लांट्स हैं जिस नॉर्मल प्लांट्स के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे ठीक है उस नॉर्मल प्लांट्स के अलावा ठीक है इनको छोड़ के कुछ स्पेशल प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। देखो जिस चीज़ के पहले स्पेशल लग गया तो इसका मतलब कि ये हम हम लोग आज इस टॉपिक में ऐसे प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जो अपने अंदर समथिंग एक्स्ट्रा रखे हो यानी कुछ नया रखे हो कुछ यूनिक चीज रखे हो जो बाकी प्लांट्स में नहीं होते हो है ना जैसे सबके सारे में जो भी करैक्टर पाए जाते हैं वो तो करैक्टर उसमें हो ही लेकिन उसके अलावा भी उसमें आपके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हो उसके अलावा उसमें कुछ स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स कुछ स्पेशल फीचर्स कुछ स्पेशल अडेप्टेशन हो वो चीज़ हम लोग इस अपने फर्स्ट टॉपिक में देखेंगे और देन इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स जिसको हम लोग एक नया नाम आपको हम बताए थे फर्स्ट वीडियो में फूड चेन फूड चेन के नाम से इसको जानते हैं ठीक है तो इसको भी हम लोग चेक करेंगे कि कैसे किस प्रकार से ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एनर्जी का ट्रांसफर होते रहता है जैसे मान लीजिए कि प्लांट है वो सनलाइट के हेल्प से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया अपने फूड का प्रिपरेशन किया उस प्लांट को हर भी खाया तो आपका सनलाइट से एनर्जी प्लांट में आया प्लांट से हरबी पुरुष हरबी पुरुष कार्वि पुरुष तो ये जैसे जैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के भोजन बनते जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी का भी ट्रांसफर ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म होते जा रहा है इसी के बारे में हमको स्टडी करना है अपने आने वाले पार्ट में यानी कि हम लोग का जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड हमारा स्लाइड आएगा उसमें हम इसको स्टडी करेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के वीडियो का फर्स्ट पार्ट कुछ इंटरेस्टिंग प्लांट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे ठीक है तो इंटरेस्टिंग प्लांट्स अभी आपको बताएं कि ये इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इसके अंदर कुछ यूनिक चीजें हैं जो बाकी प्लांट्स के अंदर नहीं है तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कसकट्टा जिसको हम लोग अमर बेल के नाम से भी जानते हैं तो इससे पहले वाला जो टॉपिक आपको हम पढ़ाए थे यानी इससे पहले वाला जो चैप्टर आपको हम क्लियर किए थे लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स, उस लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स के पार्ट नंबर टू में आप देखिएगा कि आपको हम कसकट्टा और अमरवेल के बारे में बताए हैं उसमें आपको बताए थे कि टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट के अनुसार टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक प्लांट्स के बाद जो एक्स्ट्रे एक्स्ट्रा पार्ट में या एक्स्ट्रा टाइप में प्लांट को हम डिस्ट्रीब्यूट किए थे तो उसमें सबसे पहला ही था कसकट्टा यानी कि पैरासाइटिक प्लांट तो कसकट्टा आपका एक ऐसा प्लांट है इसके अंदर एक यूनिक चीज़ या इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कसकट्टा एक ऐसा प्लांट होता है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है तब भी अपने अंदर जितना मात्रा में इसको फूड का रिक्वायरमेंट होता है उतना फूड ये बना नहीं पाता है तो अगर खुद फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के बावजूद भी उतना फूड का प्रिपरेशन नहीं कर पाया जितना फूड इसको चाहिए तो ये क्या करता है अपने आसपास किसी दूसरे प्लांट के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा क्योंकि ये धागे नुमा आकार का होता है आपका थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर का होता है तो किसी भी दूसरे प्लांट के ऊपर या उसके चारों तरफ ये क्या हो जाता है आपका अटैच हो जाता है बाइंड हो जाता है और उस प्लांट के अंदर से उसके फूड को अपने अंदर डिराइव करना चालू करता है और तब ये अपना पेट भरता है यानी कि अपने फूड के रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है और इसी इसीलिए इसको हम एक कैटेगरी में डाल देते हैं जिस कैटेगरी को हम लोग क्या बोलते हैं पैरासाइटिक प्लांट क्या बोलते हैं पैरासाइटिक प्लांट और ये जिस भी प्लांट के ऊपर अपने आप को अटैच करता है उस प्लांट को हम लोग बोलते हैं होस्ट क्या बोलते हैं होस्ट ठीक है तो होस्ट का मतलब कि वैसे प्लांट जिनके ऊपर कसकट्टा या अमरबेल क्या करेंगे अटैच करेंगे और अटैच करने के बाद उनसे उनका ही फूड अपने में डेराइव करेंगे वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड बनाएंगे तो उनसे फूड लेके अपने आप को देंगे और अपने फूड के रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेंगे तो ये खास बात होती है किसके अंदर कसकटा के अंदर, कस अंदर अमरबेल के अंदर ठीक है नेक्स्ट है नेक्स्ट हमको प्लांट के बारे में बात करना है कैक्टस कैक्टस बहुत ही नुकीला होता है बहुत ही ज़्यादा कांटे होते हैं आप देख सकते हैं इस कैक्टस के प्लांट को कैक्टस जैसे ही दिमाग में आता है तुरंत मन खराब होता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कांटे वाला प्लांट है अब पहली बात तो कैक्टस के हैबिटेट के बारे में आपको हम बताएं कि कैक्टस सबसे ज्यादा आपका डेजर्ट में पाए जाते हैं और कैक्टस के बॉडी पे आप देखो कहीं भी कैक्टस बॉडी कैक्टस के बॉडी पे आपको लिफ दिखाई नहीं देगा तो कैक्टस के बॉडी से लीफ का ना दिखाई देने का पीछे रीजन ये है कि कैक्टस जो है वो आपका रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट एरिया में पाया जाता है और लीफ के ऊपर स्टोमाटा होते हैं जिसके चलते वो कंटिन्यू वाटर के अमाउंट को भेपर में कन्वर्ट करके ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस से एक्सक्रीट करते हैं तो एक तो डेजर्ट में ऑलरेडी पानी की कमी होती है और ऊपर से अगर इनके पर लीफ होता तो जो भी इनके अंदर पानी है वो भी पानी वाटर वेपर के फॉर्म में एक्सक्रेट हो जाता जिसके चलते इनके बॉडी पे कोई लीफ नहीं होता है इनके बॉडी पे कोई लीफ नहीं होता है। तो सर अगर इनके बॉडी पे कोई लीफ होता ही नहीं है तो फिर ये फूड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग ये देखे थे कि लिफ जो है वो फूड का प्रिपरेशन करता है क्योंकि लिफ के अंदर क्लोरोफिल होते हैं ठीक है थीके? तो देखिए लिफ जो है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है तो लीफ फूड का प्रिपरेशन तभी कर पाता है जब लीफ के अंदर क्लोरोफिल है यानी कि अगर ध्यान से देखा जाए तो फूड के प्रिपरेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है क्या है क्लोरोफिल जो कि आपका ग्रीन कलर पिगमेंट होता है तो क्लोरोफिल अगर लीफ में ना हो के पूरे इंटायर बॉडी में हो पूरे सूट सिस्टम में हो पूरे स्टेम में ब्रांचेज में हो तो क्या फूड का प्रिपरेशन नहीं हो सकता है बिल्कुल हो सकता है क्योंकि कैक्टस के आपका प्ला कैक्टस प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसके बॉडी में ही क्या क्या पाए जाते हैं क्लोरोफिल पाया जाता है इसके बॉडी में ही आपका एस्टोमाटा पाया जाएगा तो एस्टोमाटा इसके बॉडी में ही है क्लोरोफिल इसके बॉडी में ही है रूट आपका कहाँ गया है स्वाइल के अंदर गया ही है तो रूट के माध्यम से वाटर और मिनरल्स चले आते हैं जो क्लोरोफिल इसके बॉडी में होता है इससे आपका सनलाइट का ट्रैपिंग सनलाइट का एब्जॉर्बसन हो जाता है जो स्टोमाटा है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और इस तरीके से जो भी रॉ मेटेरियल्स का रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए फूड के प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के लिए वो रॉ मेटेरियल इस, इस कैक्टस के प्लांट को मिलता है और मिलने के बाद ये कैक्टस क्या करता है अपने फूड का प्रिपरेशन कर लेता है तो सर कैसे माना जाए कि इस कैक्टस के बॉडी के अंदर आपका क्लोरोफिल होता है तो ध्यान से अगर आप देखो इस कैक्टस के बॉडी को तो कैक्टस का इंटायर बॉडी जो है वो ग्रीन ग्रीनिश कलर का दिखाई दे रहा है अगर आप एम ये मैंगो ट्री को देखो नीम ट्री को देखो तो इन सब का जो स्टेम है इन सब के जो ब्रांचेज है वो ग्रीन नहीं होते हैं वो ब्राउन होते हैं ब्लैकिस टाइप के होते हैं लेकिन यहाँ पे कैक्टस का पूरा बॉडी ही ग्रीन है तो कैक्टस का पूरा बॉडी ग्रीन इसलिए है क्योंकि कैक्टस के होल बॉडी में क्लोरोफिल जो है वो आपका स्प्रेड है क्लोरोफिल फैला हुआ है जिसके चलते ये होल बॉडी के माध्यम से ही क्या करता है पूरे स्टेम के माध्यम से क्या करता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है और फूड का फॉर्मेशन करता है तो ये दो आपके इंटरेस्टिंग प्लांट्स थे इनके बारे में आपका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हुए भी अपने फूड को कंप्लीटली रूप से फॉर्म नहीं कर पाते हैं जितना इनको चाहिए उतना मात्रा में नहीं फॉर्म कर पाते हैं तो ये किसरे किसी दूसरे बॉडी के ऊपर अटैच हो जाते हैं और वहां से उनके फूड को ड्राइव करते हैं इनके बारे में खास बात ये होती है कि ये आपके लिफ प्लांट हैं इनके बॉडी पे कोई लिफ नहीं होता है क्योंकि इनको डेजर्ट में रहना होता है ठीक है अब इनके बॉडी में लीफ नहीं होता है तो लीफ के जगह पे क्या होता है तो इनके बॉडी में लीफ के जगह पे स्पाइन होते हैं यानी कि कांटा होते हैं ठीक है लीफ किस में रिड्यूस हो गया रहता है स्पाइन में यानी कि कांटों में रिड्यूस हो गया रहता है चेंज हो गया रहता है चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग प्लांट्स के बारे में हम लोग बात करें तो फिर हमारा आते हैं ठीक है ठीके? कुछ कलर्ड पार्ट ठीक है कुछ कलर्ड प्लांट्स हैं इनके बारे में बात करेंगे अभी भी हम लोग इसके पहले वाले स्लाइड में भी हम लोग इंटरेस्टिंग प्लांट के बारे में ही बात किए हैं लेकिन वो जो इंटरेस्टिंग प्लांट है वो फूड के प्रिपरेशन के बेसिस पे बांटे गए इंटरेस्टिंग प्लांट थे ठीक है एक में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा था तो आधा अधूरा खाना बन रहा था किसकी बात कर रहे हैं कसकट्टा की बात कर रहे हैं और एक में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा था तो बिना लीफ का हो रहा था किसकी बात कर रहे हैं कैक्टस का बात कर रहे हैं ठीक है ठीके? तो लेकिन ये जो प्लांट हैं इनके अंदर भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं कुछ स्पेशल बातें हैं लेकिन वो इनके कलर के बेसिस पे है ठीक है तो आइए समझते हैं देयर आर समीन फॉर एग्जाम्पल लिप्स ऑफ क्रॉटन प्लांट डार्क रेड दे है लिप्स हाइट द ग्रीन कलर ऑफ द क्लोरोफिल फूड इज प्रिपेयर इन द लिप्स ऑफ सच प्लांट्स बाय द यूजल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये जो आपका दिख रहा है प्लांट ये है क्रॉटन प्लांट ये कौन सा प्लांट है क्रॉटन प्लांट क्रॉटन प्लांट की सबसे खास बात ये होती है कि जो क्रॉटन प्लांट के लिप्स होते हैं वो आपको डार्क रेड कलर के दिखाई दे होंगे हम बता रहे हैं आप लोग सामने दिख भी रहा होगा कि क्रॉटन प्लांट के जो लिप्स हैं वो डार्क रेड कलर के यानी कि लाल कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं तो क्रॉटन प्लांट का जो लिप्स आपको डार्क रेड कलर का दिखाई दे रहा है क्या इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है क्योंकि क्लोरोफिल जिसके अंदर होता है वो तो ग्रीन कलर का दिखाई देता है हमारे जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं उनके सारे लिप्स ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं कैक्टस का पूरा बॉडी ग्रीन कलर का दिखाई देता है तो जहां भी क्लोरोफिल होते हैं वहां तो आपका अपियरेंस ग्रीन कलर का आता है लेकिन यहाँ भी क्लोरोफिल है नो डाउट कि यहाँ क्लोरोफिल नहीं है लेकिन यहाँ पे अपियरेंस रेड कलर का क्यों आया है तो याद रखिए कि क्रॉटन प्लांट के लिप्स में जो आपका अपियरेंस जो आता है वो रेड कलर का इसलिए आता है कि कॉटन क्रॉटन प्लांट के जो लिप्स में रेड कलर्ड सफ्ट है वो ग्रीन कलर्ड क्लोरोफिल के ऊपर हावी हो जाता है और उसके इफेक्ट को हाइड कर देता है उसके असर को छुपा देता है और क्लोरोफिल होने के बावजूद भी ग्रीन कलर निकल के सामने नहीं आता है वो रेड कलर का जो आपका स्प्रीडिंग uh, इफेक्ट है वो निकल के इस क्रॉटन प्लांट के लिप्स के ऊपर फैल जाता है और जिसके फल स्वरूप ये क्रॉटन प्लांट के जो लिप्स हैं वो आपके डार्क रेड कलर के हो जाते हैं तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर क्लोरोफिल के इफेक्ट को हाइड कर दिया जाता है क्रॉटन प्लांट के लिप्स में रेड कलर के सब्सटेंस के द्वारा क्लोरोफिल के ग्रीन कलर के इफेक्ट को हाइड किया जाता है तो क्या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है कि नहीं होता है क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को होने में तो ऐसी बात नहीं है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है आपका एज़ यूजुअल जिस प्रकार से नॉर्मल प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल के होने से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है सेम तरीके से उसी प्रकार इस क्रॉटन प्लांट के लिप्स के अंदर भी आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है सिर्फ ग्रीन कलर का जो पार्ट है वो निकल के सामने नहीं आता है ग्रीन कलर पार्ट निकल के सामने नहीं आने का मेन रीजन ये है कि क्रॉटन प्लांट के जो लिब्स हैं उनके अंदर जो रेड कलर सफ्टानस है वो इस ग्रीन कलर के पार्ट को क्या करता है? ग्रीन कलर के क्लोरोफिल के इफेक्ट को क्या करता है हाइड कर देता है ठीक है तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें थी क्रॉटन प्लांट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें थी कैक्टस के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग बातें थी अमरबेल अमर बेल यानी कि ये देखिए तो नाम दिमाग से है जा रहा है ये आपका कैसकटरा के बारे में ठीक है बहुत ही बेहतरीन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स ठीक है जो लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर एनर्जी का फ्लो किस प्रकार से होता है ठीक है लिविंग थिंग्स से अंदर एनर्जी का फ्लो किस प्रकार से होता है तो समझिए इसको आपको हम थोड़ा सा एक रफली डायग्राम से दिखाने का प्रयास करते हैं कि अभी, अभी अभी आपको हम बताएं कि प्लांट्स जो होते हैं प्लांट्स ये अपने फूड का प्रिपरेशन ये अपने फूड का प्रिपरेशन जो है वो कहाँ से करते हैं तो सनलाइट से करते हैं ये अपने फूड का प्रिपरेशन जो है वो कहाँ से करते हैं सनलाइट से करते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यानी कि प्लांट्स के अंदर जो एनर्जी फ्लो हो रहा है प्लांट्स के अंदर जो एनर्जी फ्लो हो रहा है वो एनर्जी किसका पार्ट है सनलाइट का पार्ट है वो एनर्जी कहाँ से आया है सनलाइट के अंदर से आया है सनलाइट से आया है वो एनर्जी अब इसी प्लांट्स को इसी प्लांट्स को कोई हर्वी वोरश एनिमल्स खा लिया ठीक है समझिएगा हर्वी वोरश एनिमल्स इसी प्लांट्स को खाते हैं अब अगर इस प्लांट्स को हरवी एनिमल्स खाया तो अब इस प्लांट के अंदर से एनर्जी जो होगा इस हरवी एनिमल में क्या हो जाएगा ट्रांसफ़र होगा इस प्लांट के अंदर से एनर्जी जो होगा वो इस हरजी हरवी एनिमल्स में क्या होगा ट्रांसफ़र होगा और इस तरीके से इस प्लांट के अंदर आपका सनलाइट का भी एनर्जी था तो अब अगर हम बात करें और अपना भी एनर्जी था तो अब अगर हम बात करें इस हर्वी बोरस प्लांट्स के अंदर तो हर्वी बोरस प्लांट्स के अंदर जो एनर्जी है वो कुछ आपका पार्ट सनलाइट का भी आया कुछ पार्ट जो है खुद प्लांट्स के अंदर का भी एनर्जी आया तो देख रहे हो कि ये जैसे जैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपने फूड बना रहे हैं अपने फूड में यूटिलाइज कर रहे हैं वैसे वैसे ये एनर्जी का ट्रांसफ़र जो है वो चलता रह रहा है अब फिर लेट सपोज की कोई हरवी वोरस एनिमल है तो ये हरवी वोरस एनिमल को कोई कार्निवोरस एनिमल अपना फूड बनाया ठीक है कोई कार्निवोरस एनिमल जो है वो अपना फूड बनाया तो कार्निवोरस एनिमल अगर किसी हरवी एनिमल को अपना फूड बनाया तो अब इस कार्निवोरस के अंदर भी एनर्जी का ट्रांसफर हुआ अब इस कार्निवोरस के अंदर एनर्जी सनलाइट ट्रांसफर हुआ ठीक है प्लांट्स के एनर्जी ट्रांसफर हुआ और फिर इस हरवी एनिमल्स के बॉडी के अंदर से भी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हुआ कहने का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं दूसरे को तीसरा तीसरे को चौथा तो ये कंटिन्यू एक ऑर्गेनिज्म से एनर्जी का फ्लो दूसरे में दूसरे से तीसरे में तीसरे से चौथे में और आपके किसी भी स्टेज के पहले जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म आ चुके हैं उन सबका थोड़ा 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 पार्ट जो है एनर्जी का वो आगे वाले में ट्रांसफर होता जा रहा है इसी कंप्लीट प्रोसेस को इस कंप्लीट सिक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं एनर्जी फ्लो कहते हैं या एनर्जी फ्लोइंग कहते हैं या फूड चेन कहते हैं

ऑक्सीजन को लेंगे हम क्या करेंगे ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे और वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाएगा रेस्पिरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करेगा और फिर आपका बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेंगे तो हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लिए तो ऑक्सीजन गया फिर सांस छोड़े तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला तो हम जैसे बहुत सारे एनिमल हम जैसे बहुत सारा ह्यूमन बींग क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेलेशन के प्रोसेस के थ्रू बाहर निकालते हैं अब वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाते हैं अब उन सारे कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स जो होते हैं वो एस्टोमाटा के सहारे क्या करते हैं एब्जॉर्व करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद वो उसको वो लोग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एज अ रॉ मटेरियल यूज करेंगे और एज अ रॉ मटेरियल यूज करने के बाद उसी से फूड का प्रिपरेशन करेंगे और उस फूड को आ, अपने अंदर एनर्जी के फॉर्मेशन में लगाएंगे अब समझिए जिस प्रकार से हम लोग रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन को इंटेक किए थे और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किए हैं एक्सक्रेट किए हैं उसी प्रकार से जो प्लांट होते हैं वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करेंगे उससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे और फूड के प्रिपरेशन के बाद बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन के अमाउंट को एटमॉस्फेयर में एक्सक्रेट करेंगे और उसी ऑक्सीजन को हम ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स क्या करते हैं इंटेक करते हैं तो सिर्फ आपका फूड के ट्रांसफर से एनर्जी का ही ट्रांसफ़र नहीं होता है गैसियस एक्सचेंज भी हमारे और यानी हम एनिमल्स या प्लांट के बीच में आपका होता रहता है तो अब आइए चेक करते हैं कि हमारे कंटेंट के अनुसार आपको क्या समझना है समझिए तो फूड एंड ऑक्सीजन फूड एंड ऑक्सीजन आउट प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक द फूड द फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट इज ईटेन बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग दिस गिव्स देम एनर्जी टू वर्क एंड ग्रो दस एनर्जी ऑफ द सन फ्लो इनटू द लिविंग थिंग्स एनिमल एंड ह्यूमन बींग ब्रीद चलिए क्या है कि प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट के हेल्प से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया अपने फूड का प्रिपरेशन किया तो अब वो सनलाइट का एनर्जी उस प्लांट के अंदर दौड़ रहा है उस प्लांट को अगर हम लोग कंज्यूम किए यानी कि ह्यूमन तो बीइंग उस प्लांट को एज ए प्लांट प्रोडक्ट कंज्यूम किए या कोई हर्विबोरस एनिमल्स डायरेक्ट उसको एज ए फूड कंज्यूम किया तो वो आपका सन का एनर्जी जो है वो सिर्फ प्लांट तक सीमित नहीं है अब वो हमारे अंदर भी ट्रांसफर हुआ या उस हर्वी बोलस एनिमल्स के अंदर भी ट्रांसफर हुआ तो ये जो आपका एनर्जी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं एनर्जी फ्लो कहते हैं इन लिविंग थिंग्स तो सिर्फ आपका एनर्जी का ही फ्लोइंग नहीं है अब कुछ गैसियस एक्सचेंज के बारे में यहां बताया है उसको हम समझते हैं कि एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ब्रीद कार्बन ब्रीद आउट हेयर इज आउट इज मिसिंग ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड दिस बींग कार्बन डाइऑक्साइड गोज इन द एटमोस्फेयर एंड इज यूज बाई ग्रीन प्लांट्स टू प्रिपेयर देअर फूड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन एज बाई प्रोडक्ट विच इज यूज बाई इन लिविंग थिंग्स बाई ह्यूमन बींग एंड अदर एनिमल टू ब्रीद दिस साइकिल कंटिन्यूस मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन नेचर ठीक है क्लियर है जो आपको पहले बताएं कि जितने भी एनिमल्स हैं जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं ये सब लोग अपने आपके ब्रीदिंग के का दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ब्रीद आउट करेंगे एक्सहेल करेंगे और वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाने के बाद वो एटमॉस्फेयर में कलेक्ट होगा और उस एटमॉस्फेयर में कलेक्टेड कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट क्या करेंगे अपने लिव में मौजूद एस्टोमाटा के सहारे से उसको एब्जॉर्ब करेंगे और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान वो लोग ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज करेंगे और उसी ऑक्सीजन को फिर हम लोग इनहेल करेंगे और यही कारण है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का मात्रा और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है ये आज तक बैलेंस्ड फॉर्म में है ठीक है हम लोग पढ़े होंगे कॉम्पोजिशन ऑफ एयर समझिएगा हम लोग पढ़े हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एयर जो भी एयर हमारे एटमोसफेयर में है इसके कंपोजिशन क्या है तो हम लोग पढ़ते हैं कि 78 परसेंट नाइट्रोजन है 78 परसेंट क्या है नाइट्रोजन ठीक कोई दिक्कत नहीं है फिर हम लोग पढ़ते हैं कि 21 परसेंट ऑक्सीजन है 21 परसेंट ऑक्सीजन है और फिर हम लोग पढ़ते हैं जीरो पॉइंट जीरो थ्री थ्री परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड तो सोचने वाली बात यह है कि पूरा एटमोसफेयर खुला हुआ है पूरा एटमोसफेयर ओपन है ये सारे आपके मूविंग नेचर के भी आपके है लेकिन फिर भी नाइट्रोजन का अमाउंट 28% परसेंट का 28% परसेंट कॉन्स्टेंट है ऑक्सीजन का अमाउंट 21% परसेंट का 21% परसेंट कॉन्स्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट का जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट है तो ये ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आपका अमाउंट है ये हमारे एटमोसफेयर में बैलेंस्ड फॉर्म में जो ये बना रह रहा है इसका एकमात्र कारण है हमारे और एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में इस गैसियस एक्सचेंज का प्रॉपर अमाउंट में बैलेंस्ड फॉर्म में होना इसी क्योंकि हम सी टू दे रहे हैं तो वो हमको ओ टू दे रहे हैं हम उसी ओ टू को इंटेक कर रहे हैं तो हमारे दिए गए सी टू को वो इंटेक कर रहे हैं ठीक है तो इस तरीके से ये बैलेंस्ड बना हुआ होता है अब देखिए एक यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको देखना है एक डायग्राम देखना है जिससे आप ये समझ पाए कि एनर्जी का फ्लो लिविंग थिंग्स में किस प्रकार से होता है देखो ये क्या है आपका प्लांट ट्रीज जो भी आपको बोलना है ठीक है ये बोलो वेजिटेशन बोलो जो भी बोलना है बोलो ये अपने फूड का प्रिपरेशन कहाँ से कर रहे हैं सनलाइट से कर रहे हैं सनलाइट को ट्रैप कर रहे हैं और ट्रैप करके कर ये क्या कर रहे हैं फोटो का प्रोसेस कर रहे हैं ये सनलाइट को ट्रैप करके क्या कर रहे हैं फोटो सिंथेसिस का प्रोसेस कर रहा है और फिर ये एनर्जी का फॉर्मेशन कर फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं या एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहे हैं अब इस प्लांट को इस प्लांट से पहले तो हम ह्यूमन बींग क्या कर रहे हैं इस फोटोसिंथेसिस में बाई प्रोडक्ट में निकलने वाले ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं ले रहे हैं रेस्पिरेशन के लिए और डायरेक्ट फूड के लिए भी हम लोग प्लांट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे ठीक है अब इसी प्लांट को या इसी प्लांट प्रोडक्ट को यानी कि लिप्स को या आपके ग्रासेस को ये ही आपके हरबी बुरस एनिमल्स जैसे डियर है ये लोग खाएंगे और ये लोग भी एक्सहेल करके इसको क्या देंगे कार्बन डाइऑक्साइड देंगे समझिएगा फूड ले रहे हैं ऑक्सीजन ले रहे हैं और आपके उल्टे में क्या दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं हम लोग भी फूड ले रहे हैं ऑक्सीजन ले रहे हैं और प्लांट्स को क्या दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं तो ये आपका होता है एनर्जी का फ्लो बिटवीन अ प्लांट्स एंड एनिमल्स और ए ह्यूमन बींग ये होता है आपके गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ए प्लांट एंड अ एनिमल और ए ह्यूमन बीइ कि हम लोग ऑक्सीजन हम ह्यूमन या हम एनिमल जो है वो ऑक्सीजन को लेते हैं प्लांट से और कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं अब ये आपका जो डायग्राम है वेल well डायग्राम है एनर्जी के फ्लो को समझने के लिए और गैसियस एक्सचेंज को या गैसियस फ्लो को समझने के लिए अब वो टाइम आ गया है कि हम इस पार्ट वन और पार्ट टू दोनों को मिला के कौन कौन से आ, तो, आपके टॉपिक को कौन कौन से इंपॉर्टेंट बातों को हम कवर किए उसको दोबारा से रिकलेक्ट कर लेना रिवाइज कर लेना तो प्लांट्स आर द ओनली लिविंग थिंग्स विच मेक देयर ओन फूड एंड प्रोवाइड फूड फॉर द अदर लिविंग थिंग्स प्लांट एक मात्र ऐसा लिविंग थिंग्स है जो अपना भोजन अपना फूड खुद बनाता है और दूसरों को अपने से फूड को प्रोवाइड करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगला है द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर बिकॉज दे कंटेन ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल कुछ प्लांट्स के आपके लिप्स जो है वो आपकी ग्रीन होते हैं मैक्सिमम प्लांट्स के लिप्स ग्रीन होते हैं कारण ये होता है कि उस लिप्स के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लोरोफिल बोलते हैं ठीक है द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन द लिप्स ऑफ प्लांट्स इज नोन एज फोटोसिंथेसिस जिस प्रोसेस से लिप्स अपने फूड का प्रिपरेशन करते हैं सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स के हेल्प से उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट क्लोरोफिल ये आपके क्या है कुछ रिक्वायरमेंट है किसको कंप्लीट uh, करने के लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ठीक है द लिव्स आर रिगार्डेड एज द फूड फैक्ट्री और किचन ऑफ द प्लांट क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा फूड किसी प्लांट के लिप्स में बनाया जाता है इसीलिए हम लोग लिप्स को ही फूड फैक्ट्री या लिप्स को ही प्लांट के किचन के नाम से जानते हैं इट इज द एनर्जी फ्रॉम द सन दैट फ्लोज थ्रू प्लांट्स टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग ठीक है तो ये सन का एनर्जी आपका एनर्जी ऐसा है जो प्लांट के साथ साथ हम सभी ह्यूमन बींग के बॉडी में ट्रांसफर होता है और यही कारण है कि सन को हम लोग इस पृथ्वी का अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं याद रखिएगा सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ हमारे पृथ्वी पे एकमात्र अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है सन है जिसका एनर्जी प्लांट में और प्लांट से हम सभी ह्यूमन बींग में आपका ट्रांसफर होते रहता है ठीक है और इस तरीके से हम लोग इस बेहतरीन से टॉपिक बेहतरीन से चैप्टर के दोनों पार्ट को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही एक्सप्लेन फॉर्म में कंप्लीट किए और आई होप कि आप लोग इसके सारे एक्सप्लानसन हारे कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे और ऐसे हमेशा हम कोशिश करते रहेंगे आपको हर एक चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में तब तक मन लगा के पढ़िए खुश रहिए